हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी प्रॉन्स कड़ी बनाने की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। प्रॉन्स कड़ी बनाने के लिए यहाँ मैंने 3 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली हूँ। इसे मैंने ऑमलेट कट कर लिया है। और यहाँ मैंने आधा किलो प्रॉन्स ले लिया है। इसे मैंने अच्छे से वॉश करके क्लीन कर लिया है। और जो इसके अंदर एक नस रहती है उसे मैंने कट कर लिया, उसे मैंने निकाल लिया और एकदम मैंने इसे क्लीन कर लिया है। यहाँ 3 लार्ज साइज़ के आलू है, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिए हैं। यहाँ कुछ पाउडर मसाले हैं, जिसमें 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 2 टमाटर है इसका मैंने पेस्ट बना लिया है। सबसे पहले 2 टेबल स्पून ऑयल को गरम कर लेंगे। ऑयल अच्छे से गरम हो गया, अब उसमें जीरा ऐड कर देंगे। जीरा अच्छे से क्रैकल हो गया, उसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को हल्का ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। प्याज 50% तक फ्राई हो गई है, हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है। अब उसमें झींगा ऐड कर देंगे। मैंने झींगा अभी ऐड किया क्योंकि जो इसकी स्मेल है वो रिमूव हो जाए। और उसी के साथ उसमें आलू भी ऐड कर देंगे और झींगे और आलू को अच्छे से फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ। 6 से 7 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। इसे फ्राई करना ज़रूरी है ताकि जो इसमें स्मेल है वो रिमूव हो जाए। झींगा अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब उसमें सारे पाउडर मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसे 5 मिनट तक भून लेंगे सब मसालों के साथ। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब उसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे भी अच्छे से भून लेंगे सब मसालों के साथ। मसाला अच्छे से भून गया है, तेल सरफेस पे आ चुका है, अब उसमें 1 गिलास पानी ऐड कर देंगे। पानी आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। अब उसे कुक कर लेंगे ढक के 10 से 12 मिनट तक हाई फ्लेम पे। 5 से 10 मिनट हो गए हैं, यहाँ प्रॉन्स कड़ी बनके रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। देखिए, यहाँ प्रॉन्स कड़ी बनके रेडी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।